शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से शहनशाह बाज़ंतीन हर कुल के नाम सलामती हो उस पर जिसने राह रास्त इख्तियार की। मैं आपको हक की दावत देता हूं, अल्लाह ने मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल किया है, अपनी नजात के लिए इस्लाम कबूल कर लीजिए। यह अरब के एक नए नबी की बात कर रहा है। योहन्ना की तरह जैसे वो शाहरर के पास बयाबानों से निजात का पैगाम लाया था। बनाम मकुकस वाली सिकंदरिया, किसरा शहनशाह फारिस, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आपकी निजात सिर्फ इस्लाम में है, कबूल कर लें इस्लाम। तुम चरवाहे बियाबानों से निकलकर हमको यह बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए? मोहम्मद खुदा का रसूल, उसे यह मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। जियो इंतहाई नेक नियती और खुलूस दिल से फिल्म द मैसेज अपने नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे पेश नजर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान भी है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों, इस पैगाम हक को जो तुम तक पहुंच चुका है उन तक पहुंचा दो जिन तक नहीं पहुंचा। हम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इसी इरशाद मुबारक पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में इस फिल्म के वसीले से हुजूर का ये पैगाम अजीम पेश कर रहे हैं। दुनिया इस्लाम के मुमताज उलमा और मुअर्रिखीन, आलम इस्लाम की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर और लबनान की आला शियत कांग्रेस ने इस फिल्म के मुसव्वदे की तारीखी सच्चाई और दुरुस्तगी की तस्दीक की है। ये फिल्म बनाने वालों ने इस इस्लामी रिवायत पर ईमान रखते हुए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नहीं दिखाया जा सकता, आ हजरत के किरदार को शख्सी तौर पर इस फिल्म में नहीं दिखाया। मुलाहिजा कीजिए फिल्म द मैसेज उर्दू जुबान में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 बरस बाद जब यूरोप इंतहाई तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम कदीम तहजीबें दम तोड़ रही थीं, मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई। मक्का उस वक्त एक बड़ा तिजारती शहर था जिस पर कुछ मकामी ताजरों की इजारादारी थी। मक्के की खुशहाली और दौलतमंदी का बायस उसकी एक इम्तियाजी खसूसियत थी, मक्का बुतों का मस्कन था। सालाना मेले के मौके पर अरब के पुजारी और काहिन यहाँ जमा होते और अपने अपने बुत काबे की तहवील में दे देते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी थी, वही काबा शिर्क का गढ़ बन चुका था जहां 360 बुत 360 खुदा थे। मक्का 610 ईस्वी में। Thank you.
बिहार। आज का हिसाब कर लियो मैया। अभी नहीं, लेकिन इस बरस खुदा हमारे लिए सोना बन गए। क्या बात है, एक तरफ खुदा दूसरी तरफ मुनाफा और बीच में तुम। कुछ और खुदाओं को काबे में रखवा दूं। ओ, शाम से काफला, फिर तो प्यासे भी होंगे। पुराने कुओं पर 5 आदमी और लगा दो। इनके लिए कितनी भेड़ें कटवा दूं? 70। 100 होने चाहिए, मक्का मेहमान नवाजी का भरम रखता है। और सरदारों के लिए 10 भेड़े अलग से। पानी और रोटी ही मिलता है हिकम के घर सिर्फ शायर को, जिसकी वजह से शेर गले में घुट के मर जाते हैं। और बखुदा रोटी तो पानी से भी पतली होती है। ओ, हटो, बड़े हटो, जगह दो गीतों के मतवालों, अबू सुफियान को रास्ता दो, वो कुछ सुनना चाहते हैं। माल भी मिलेगा, इल्म फन के सरपरस्त हैं। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं, लुत्फ मिलता है, प्यार पाते हैं, खूब पीते हैं, खूब खाते हैं, नूर नगमा की बात चलती है, महफिल ऐश गर्म होती है, जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं। चीन का बेहतरीन रेशमी कपड़ा बदन से छू जाए तो रोम रोम झूम उठे, देखो तो आंखों में सुरूर उमड़ आए। ठीक, 7-10 20 दीनार। अबू सुफियान की भी 15। देखो भाई, काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरी रूह में झांक लिया है, मुझे यहां से फौरन ले चलो। आखिर मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा, ठीक हो जाएगा। क्या, 40 बरस का हो चुका है वो, ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरजना अच्छा लगता है। दीवानगी है ये। दीवानगी है कि एक इंसान खतरा मोल ले उसका जो सेहत देती है, मना हमारी खुशहाली का जामन है, लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगरबान है, और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है। मेरा जवाज है, बगावत है, कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब, मेरा नाम तो लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे। फिर वो ऊपर ही है।
तीन दिन से। उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ वो अभी तक कंबल में लरज रहे हैं लेकिन होश में आ चुके हैं। जैद, मेरे भतीजे के साथ पहाड़ पर क्या हुआ? वो घर में तन्हा थे कि अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, पढ़। मोहम्मद बोले, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़। क्या खबर वो जिब्राइल हो या फिर ऐसे ख्वाब? लेकिन मोहम्मद जब पहाड़ी से लौट रहे थे, उन्होंने जिब्राइल को फिर देखा, जमीन और आसमान के बीच एक आदमी की सूरत में। वो जहां देखते थे हर तरफ उन्हें वही नजर आते थे। तब उसने फिर कहा, मैं जिब्राइल हूं और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने इस बारे में किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। हर किसी से ये बात मत करना और उसे बता दो कि जिस तरह उसके चाचा ने बचपन में उसकी हिफाजत की थी, अब भी करेगा। मैंने सुना है कि मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कलाम किया था। अगर तुमने अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम रोकेंगे। वो इस शहर में फसाद डाल रहा है, घर से घर जुदा कर रहा है, नस्लों में फूट डाल रहा है, औलादें बागी हो गई हैं। नौजवान उसकी बातें सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं। हम अरब हैं, बड़ों का हुक्म मानते हैं, बच्चे हम पर हुक्म नहीं चला सकते। हम कैसे मान लें कि एक आदमी जो कल तक हमारी तरह बाजारों में फिरता था आज खुदा का पैगंबर बन गया है? कहता है गली सड़ी हड्डियां फिर से जी उठेंगी। कहता है जिस इंसान को पहली बार पैदा किया मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। कहीं खुदा हमसे नाराज होकर किसी दूसरे शहर में मेहरबान ना हो जाए। उसे कहो हम देंगे उसे इख्तियारात, मर्तबा, काबे की चाबियां और दौलत जितनी वो चाहे।
उसे कहो जो चाहेगा देंगे। अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें। मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। उसने मुझसे कहा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, अगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चूर रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये भाई से फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे इधर से। ये वलीद जमे नहीं, तेरा बाप है, उसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो जायफा, रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं सब कुछ नया है जबकि कुछ नया नहीं। हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाए? अल्लाह की वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊंटनियां छूटी फिरें और जब वैशी दरिंदे हाकें जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाए और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाए और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुजूल हुआ? सुबह हो रही है। अम्मार, पहले तुम, फिर तुम जो जाफर। हाँ
अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं बू। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा अनदेखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं, मैं डरती हूं। तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हां, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक ना मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं? लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। हाँ, तुम जानते ही हो कि हम कभी ना मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही ना हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह। लेकिन मेरा बाप ऐसा ना कर सका, वो ऐसा ना कर सका तीसरी मर्तबा, जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मिट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर ना गई, मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा ना सका, वो हिम्मत ही ना कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया, वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है, ये जुल्म है। जो खुदा उसकी इजाजत है वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था, हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पढ़ो, मोहम्मद तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई बोल तो तुम भी सकते हो, अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलाम ही करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं, यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं, कम्बलों ने तारीख ख्वाबों में भटकता रहे। वो तारीकी नहीं, उजाला है। तो इसको सजा दे इसकी बकवास। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा?
जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो, ताइफ में, यसरब में, मेरे घर में, यरूशलम में और चांद पर भी। मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा। हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी। खुदा कारोबार का जरिया नहीं है। नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो। अमार, समझदारी से काम लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं। क्या ये हबशी बलाल मेरा सर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने। गुलामों और भिकमंगों के लिए बड़ा पुरखशिश ख्याल है, उनके भी नखरे हो जाएंगे। बिलाल, समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क। कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। मारो इसे, काट दो इसे। मारो इसे। मारो बिलाल, हुक्म मानो, ये मार डालेंगे तुम्हें। कैसी लाकानूनियत ही है, गुलामों तक को वगला दिया है। अगर तुम एक इंसान होने के नाते खुदाओं को मानते हो तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे आका के खुदा है। मैंने तुझे बिलाल तेरी इंसानियत के साथ खरीदा था, अभी सीधा करता हूं तुझे। एक एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। भारी पत्थर लाओ। एक खुदा, एक एक खुदा। कुचल दो इसे। अभी तक निपटाया नहीं इसे। एक सिर्फ खुदा। गुलाम तबलीग कर रहा है। उमैया, अबू बकर, इस गुलाम के 100 दिनार देने को तैयार हैं। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है कि हम सजा के बाद गुलामों का सौदा करें। मैंने उमैया से पूछा है। 200। अगर गुलामों की कीमतें इसी तरह बढ़ने लगी तो एक दिन साथी काम खुद करना पड़ेंगे हमें। ले जाओ इसे, रखो या मार डालो, अब ये मेरे काम का नहीं। हम इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कह दिया सबको इस्लाम का पैगाम पहुंचा दो। खिड़की दरवाजे खोल दो, सारी दुनिया को सुना दो। अंधेरे छट गए, अब रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह का पैगाम, रसूल अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रोशनी का मीनार है, वो निशान मंजिल है, वो नूर इल्म है। चल चल।
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لوگوں کعبہ کو چلو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ظلمت سے نور کی طرف آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر چلو کعبہ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد اور اس کی بغاوت اسلام کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے، وہ ہمارے خداؤں اور دین کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں کعبہ تک مت پہنچنے دو، دھکیل دو انہیں پیچھے، ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں کے لیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، محمد کی حفاظت کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اوپر تک سے ہو جاہلو، یہی موقع ہے، مٹا دو انہیں، صرف 30 ہیں۔ نہیں، بہت ہو گیا، زیادہ کیا تو یہ اور ہمدردیوں سے مٹ لیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہہ دو اے منکرو، میں اسے نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اسے پوچھتے ہو جسے میں پوچھتا ہوں۔ خاموش، تیرا جھوٹا رسول اللہ کی حفاظت کرو، بچاؤ ان کو، ان کو، ان کو ان سے بچاؤ، کون میں لے لو ان کو، بچاؤ، تیار ہو جاؤ۔ بہت بہادر ہو، یہ عرب کا سب سے زیادہ بہادر ہے جب اس کے سامنے نہتے ہو۔ محمد جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہے؟ تم اسے بولنے کب دیتے ہو؟ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، جبکہ اب تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ محمد ایک فریبی ہے۔ چلو ہمت ہے تو آج اٹھا مجھ میں، لو آج سے میں اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں، جو وہ کہتا ہے وہ میں مانتا ہوں، جس کسی میں لڑنے کی ہمت ہے مجھ سے لڑے،
मोहम्मद, सहरा रात और तन्हाई, मुझसे यही तो कहते हैं, खुदा एक घर का कैदी नहीं। कौन सोच सकता था कि हमजा ऐशो निशात का दिल दादा, शेर का शिकार करने वाला दरिंदा मोहम्मद से आ मिलेगा? जितना हम जुल्म करेंगे उतने ही उनकी हिमायती बढ़ेंगे। कहां से ढूंढ कर लाता है वो ऐसे लफ्ज? मैं नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मी पहाड़ पर जाए और 3 दिन के बाद लौटे भड़कती हुई शायरी के साथ? मान लेते अगर शायरी होती। वो तो कहता है कि कला में खुदा है, भला हम उस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत को हम समझ ही नहीं सके। मोहम्मद के जन्नत के बाद है आसमानों में दरख्त, तभी तो लोग उसकी सुनते हैं। तो फिर हम उसके सुनने वालों के साथ वो सुलूक करेंगे कि उसे सुनना छोड़ देंगे, पहले कमजोरों से निमटेंगे। कौन है तेरा खुदा? बोल बुढ़िया, कह दे, कह दे, हबल तेरा खुदा है, कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। Oh, my God.
अमार, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है। तुम लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है। हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दे, अगर न गए तो वो सबको मार देंगे एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो आज ही। घुड़सवार, हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे, तपता सहरा, मंडलाते गिद्ध, पर तूने उन्हें जाने दिए? जाने दिया? वो गायब हो गए। मोहम्मद जी ही हैं, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शायद हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है?
میرا خیال ہے میں انہیں لے آؤں گا. حبشہ سیدھے ہو جاؤ عمرو. تم جانتے ہو کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو تمہیں میں نہ دوں. اے یہودیہ کے شیر، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں. جہاں سے ہماری دوستی شروع ہوتی ہے. ہمارے کچھ باغی غلام فرار ہو کر آپ کی سلطنت میں آ گئے. غلام واپس جائیں گے. اگر ہمارے غلام ہوتے تو تم بھی انہیں لوٹا دیتے. غلاموں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں باغی. باغی اگر عرب میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے تلا کیوں نہیں؟ وہ مذہب کے باغی ہیں. اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہب ابتدا میں بغاوت ہی ہوتے ہیں. دنیا بھر کے غلاموں کا جسم تو ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح جو ہمارے گڈریا ہیں وہ جسموں کی نہیں روحوں کی گلہ بانی کرتے ہیں. مگر یہ وہ عرب ہیں جنہوں نے اپنے آبائی دین کو چھٹلا کر دیوانے کی اطاعت قبول کر دی، جسے وہ نبی کہتے ہیں. میں روحوں کو زنجیریں نہیں پہنا سکتا جب تک سن نہ لوں. جب مکہ میں ہم پر ظلم ہوا تو رسول اللہ نے کہا حبشہ چلے جاؤ، ایک سچے بادشاہ کا ملک ہے جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. جسے یہ ظلم کہتے ہیں وہ انصاف پر مبنی سزا تھی. ان کی بغاوت سارے پیغمبر نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اہل کتاب ہیں. ان کو یقین تھا کہ خدا آپ کے دل میں ہماری حفاظت کا خیال ڈال دے گا. ان سے بات کرنا سراب کو پانی سمجھنے کے برابر. لیکن اب مجھے ان کی بات ضرور سننی پڑے گی میرے دوست. بولو. برسوں تک ہم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے خدا پوچھتے رہے. ہم اللہ سے غافل تھے. ہمارے پاس اپنے بنائے ہوئے قوانین تھے، اللہ کے نہیں. امیر غریب سے لاپرواہ تھا. وہ فطری جذبہ جو اپنے گرے ہوئے بھائی کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لے، اپنے معاشرتی نظام میں یہ اسی انتشار کا باعث سمجھتے ہیں. انسانیت کی اس تذلیل کے خلاف ایک انسان ہے جو اللہ نے چنا اور جس پر ہمارا ایمان ہے. تم جذباتی ہو گئے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو. میں وہ کہتا ہوں جو رسول اللہ کہتا.
मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना, खैरात दो चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो, लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है, हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुत या शबी को नहीं पूछते बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुत परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है, वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते हैं, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, झटकार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर? अल्लाह ने कुल इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे 300 खुदाओं की जबानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है। अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यीशु मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों? तुम्हें यह नाम किसने सिखाए? यह नाम कुरान में। मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यीशु मसीह को तरखान के तौर पर जानते हैं जो यीशु मसीह कहते हैं, और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कुंवारी मरियम की रहम में फूंकी, इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजजा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां, खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस ले गया। मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए।
ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है, ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे, हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। उन ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी तबीयत छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे, जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी बीबी खदीजा चल बसी और उनके बाद जनाबे अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे खुदा मांग रहा है। तुम करते हो उसकी बात सुनने से भी। चचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, मत मारो। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था जब बज़ाहिर रसूलुल्लाह अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। सूरत हाल मोजाना तौर पर तब्दील हो गई। एक अमीर लेकिन अपनी तबाही पर तुला हुआ शहर यसरत, यहां से एक वफ्द ने रात की तारीकी में आपसे अकबा की पहाड़ियों में मुलाकात की और यसरत आने की दावत दी, ताकि आप खाना जंगियों और आपस के इख्तलाफात खत्म करने में उनकी मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो एक खुदा की इबादत करें तो
अल्लाह एक है और तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। ये हम में से हैं और हम इन में से इन्हें अपने साथियों को, हमारे भाइयों को हमारी तरफ मदीना आने दो। सत्तर लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तपते सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। ये वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस थे ये नतायज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हाँ हजरत, मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसर न पहुंच गए। मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, और तुम सलूल जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है सोते रह गए और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया। अपनी फिक्र करो अबू सुफयान, शाम तक इधर तो क्या महक के एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहरख पर बैठ गया है वो तुम्हारी। तुम्हारा क्या लगा है? मैं इंतजार करूंगा। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम सारा अरब अपना तर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा नहीं देते। तब तक तुम क्या करोगे? जाहिर है उसकी आवाज पर लबैक, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं। मुनाफकत? मुनाफकत नहीं, अकलबंदी। शासलून, जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार? यकीन नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे। मोहम्मद
अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। ये हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? वो दूर नहीं गया होगा क्योंकि हर रास्ते पर सहरा है, सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरीकत उन्हें ले जाने वाला बद्दू। क्या है ये? ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं। नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है। निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। बद्दू और मगरिब की तरफ? मैं अपने फन में माहिर हूं। सुना है कि तुम हवा सूंघकर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो। वो वहां शिकार में हो सकते हैं। मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। सकता चला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है। हमने पीछा करने में गलती की, हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें। रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजले अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। उरीकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरां और बेआबोग्याह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरजते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाए। कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा था वो महज इंसान है, कोई इंसान इस गर्मी में नहीं बच सकता। वो आ गए, देखो
छुप जा, भाग जा, कहीं दिखावे के लिए तुझे आजाद न करना पड़े। शहर मदीना, ये शहर आपके कदमों की बरकत को खुश आमदीद कहता है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर रहे, मदीने का सबसे शानदार घर, आप रहेंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मेरे साथ रहे, मेरे घर में। सुनो सुनो, रसूलुल्लाह एक ही वक्त में किस किस के मेहमान बन सकते हैं? क्या अल्लाह उनकी ऊँटनी को ठहरा देगा, वही रसूलुल्लाह अपना घर बनाएंगे। मंजूर है, हम कस्बा को खुला छोड़ देंगे, जहाँ वो बैठेगी वहीं रसूलुल्लाह का क़याम होगा। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बड़ा चालाक है, भला ऊंटनी के इंतखाब पर कौन नाराज होगा? यहाँ हम सब रसूल अल्लाह का घर बनाएंगे और एक मस्जिद जहाँ हम सब इकट्ठे हुआ करेंगे। इस्लाम की पहली मस्जिद बनेगी यहाँ। रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? ईंटें उठा रहे? लाए देखे, आप बहुत कर रहे हैं, जाएं आराम करें, हम कर लेंगे।
लो वो और लेने चले गए। काम एक इबादत है या उनका फरमान? उनकी उम्र 53 साल है। आपकी क्या उम्र है? 1 शायद घंटी लोगों को बुलाने के लिए। घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। नकूस कैसा रहेगा, यहूदियों की तरह? तबल, तबल से खून की बू आती है। इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अगर उसूल इजाजत दे, इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है, जाओ ऊपर जाओ। أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा। सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो, सब भाई भाई। मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं। इसे पढ़ो, पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए।
मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा। बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है। क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है, बराबरी। पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर है। ये दीवानगी है। यहूदियों और ईसाइयों के हकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मिसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। विरासत में औरतों के हुकूक भी। हुकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हुकूक देगा। वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की। बुरा हो उसका, उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना। वो हक पर है और हम गलत। अब बस, इस बार किसी यारे गारे की नहीं चलेगी। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी, और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। भाइयों, एक खबर है मेरे पास, मेरे पास मक्का की एक खबर है। जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या? चोर कहीं के, अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर बिक गए। एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर चीथड़ा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे, कंगाल हो गए सब। क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे। अभी वो कहते हैं अमन। बेशक, तुम बहुत अमन पसंद लोग हो, तुम तो सराफा बर्दाश्त हो। जाओ अपने कामों पे। हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। आप अल्लाह के रसूल हैं, वो हम भेजते हैं, गालियां देते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करते। जंग के मसले में हम लाचार हैं, वो हवस के गुलाम हैं। हमारी नजर सिर्फ अल्लाह और आप पे। मैं जानता हूं कितनी नफरत है आपको तलवार से, लेकिन हमें लड़ना होगा। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और उसे दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। मुझे माफ कर दें, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चिल्ला चम करे।
लेकिन देखो सूरज कहां है? ये नमाज का वक्त नहीं है। अभी अभी रसूल अल्लाह पर वही नाजिल हुई है, लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो, फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे। तुम किसी औरत, बच्चे और बूढ़े पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी माजूर को निशाना नहीं बनाओगे, खेतों में काम करते किसी दहकान पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे, सिर्फ उन पर वार करोगे जिन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक पामाल किए, माल लूटा और खुद को माला माल किया। चलो बदर के कुएं पुकारते हैं। सुनो मदीना से खबर, जाओ हथियार संभालो, उठा लो हथियार, जाओ अपने माल की हिफाजत करो। मोहम्मद कारवां पर हमले के लिए मदीने से निकल आया है। कितने आदमी हैं? 300, दो घोड़े। हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे, ऊंट कितने हैं? 70। हम 170 ऊंट ले आएंगे। और मेरे 20 सोटों पर शराब होगी, हम जश्न मनाएंगे। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, हारने का सवाल ही नहीं। सुफियान से कहो कारवान का रुख बदर की तरफ मोड़ दे, हम कल अपनी फौजों समेत बदर के कुओं पर मिलेंगे।
बदर के कुएं हैं यहां, मोहम्मद का लश्कर यहां, मेरा कारवां यहां। एक दिन का सफर, उनसे कुओं पे जा मिलूं। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मक्के का सब माल दांव पर लग जाएगा। अलाव बुझा लो और कुछ कराओ। हम मगरिब का रुख करेंगे कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है। हम उन्हें कच्चे अंडों की तरह पी सकते हैं। अगर मैं रात भर चलता रहूं तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा वकार कहां गया अबू सुफियान? वकार? मेरा वकार मेरे ऊंटों की पुश्त पर है। हां मैं जा रहा हूं। मोहम्मद ने कुओं पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद तो खुद ही हमारे निशाने पर आ गया है, दीवाना है। अबू सुफियान कूच कर गया है मगरिब की तरफ, बदर से दूर। कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। ये कहो कि बाप बेटे का खून बहा रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुजैफा उनके साथ है ना, तुम्हें चाहिए तो उसे कोड़े मारते। मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। वही तुम्हारा दूसरा बेटा, यह भी तो तुम्हारा अपना खून है। हाँ हम लड़ेंगे, आज की हिफाजत हम करेंगे, कल खुद को बचा लेगा। अतबा बुज़दिल नहीं है। कल उनका सफाया हो जाएगा, हम लड़ेंगे।
शहर हो लिए। अपनी कतारों में वापस जाओ, पीछे हटो, पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए, अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, कुओं पर हमारा कब्जा है, हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खड़े हैं, हम इंतजार करेंगे। जो हमारे मर्तबे के हो, पलटाओ। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। रुक जाओ उबैदा, वे और अली, हम
अब जोड़ बराबर का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तीरंदाज आगे जाएं, तीरंदाज हदफ, चलो फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ो, मुस्तैक निजामाज उमैया। उमैया बिलाल,
रसूल अल्लाह नाराज हैं, तुम कैदियों को बांध के घसीट नहीं सकते। हम भी तो जकड़े गए थे। रस्सियां काट दो, मैंने कहा रस्सियां काट दो, और इन्हें पानी पिलाओ और खाना खिलाओ अपने बराबर का, और जो पैदल हो उनसे पैदल चलो। वो कैदी जो पढ़ा सके 10 मुसलमानों को वो आजाद होगा। छोड़ते मेरा? क्योंकि सब मुझे इल्जाम देते हैं, भली या बुरी जो भी वजह सही। मुझे भी उनके साथ बद्र की कुओं में गर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कारवां को बचाया है, मुस्तकबिल को बचाया। ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरे बाप का नाम, मेरे भाई का नाम, क्या वो समझते हैं कि उन्हें जरूरत है मुझे याद दिलाने की? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, हमजा, अपने पंजों से हमजा किन किन के बदले लूंगी? तूने मेरे बाप को ज़िबह कर दिया हमजा। शेर का शिकार कि मेरा शिकार बनेगा तू? शिकारी है ना हमजा? घेर लूंगी तुझे, मेरे शिकार। जब तू मरेगा हमजा, सीना चीर के दिल निकालूंगी तेरा, तेरा खून पीऊंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस करो ये मातम, और नहीं चलेगा। अब जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उनके खिलाफ नई फौज बनाएंगे, और इस मर्तबा पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ आएंगे। क्या टाउन फैल गया? ये हम कैसे अजीबो गरीब शहर में आ गए? तुम बड़े इत्मीनान से सब कुछ ले जा सकते हो, किसी को अपनी दुकान की फिक्र नहीं। निगरानी के लिए अल्लाह जो है। कहां से आए हो? यमन। मक्का में पड़ाव किया? रास्ते में आया था। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मक्का में पड़ाव किया? जब तक ऊंट ताजा दम न हो गए
ऊंटों को सबसे ज्यादा चैन कहां मिलता है सिवाय मक्का के। सहरा की कोई ताजा खबर? ओ, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठे हो रहे हैं, हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। हमारी ताकत ये है। उनको आसान मत समझना, वो अपनी तमाम कुव्वतें गुलाम का नाम वैशी है, माहिर है, जहरीला है, देखो इसे। आजाद कर दूंगी, चांदी में तोल दूंगी, रेशम में लपेट दूंगी, ऐसे ही एक वार के बदले। तो बदले की आग इन्हें खींच लाई, ये भी जान लेंगे कितने हैं। बड़ी फौज है, 3,000 तो होंगे, सैकड़ों घोड़े हैं। बदर की चोट खाए हुए, पुरानी बात हो गई, हिसाब बराबर करने आए हैं बदर का। जाओ अपनी तलवारें संभालो।
वो है हमजा, पहचान लो। वो रहा तुम्हारा नसीब। वदा वाले खड़े गुस्सार वाले अजीब से खड़े। खालिद का दस्ता है। खालिद, इस नौजवान में कोई बात है। हमजा। हाँ रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या आपने उन तीरंदाजों को देखा? हाँ देख लिया, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। उन्होंने 50 तीरंदाज लगा दिए उनकी निगरानी पर, नतीजा जो भी हो उन्हें हर सूरत रोके रखना है। जैद, रसूलुल्लाह से कौन तैयार है? क्या वाकई हम तैयार हैं? हम तो आजाद में कम हैं, लेकिन मार का बराबर का है। वो हमारी ताक में हैं, हम उनके। मैं अपने हरीफ से कभी खौफजदा नहीं हुआ। उबल जिंदाबाद। मोहम्मद का इशारा मिलते ही हम हमला करेंगे। तैयार हो जाओ, मुस्तैद आओ, हमला। तीरंदाज चलो। हमजा शहीद हो गए। निगार लड़ो।
माल लेकर मत लूट लो। तुम्हें जगह छोड़ने की इजाजत नहीं। कहाँ जा रहे हो? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ मोर्चे पर। कहाँ भागे जा रहे हो? इंतजार फैल गया, हमारा कल मुंतशिर हो चुका। हम जंग हार के खालिद? अभी नहीं। कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने गिरता देखा है। नहीं नहीं, वो जिंदा है, लड़ रहे हैं। मैं तो हार चुका था, यह फतह तुम्हारी है खालिद। हमारी फतह अधूरी है जब तक मोहम्मद जिंदा है, वो ऊपर इन चट्टानों में है। हमारा काम पूरा हो गया, हम बद्र का इंतकाम ले चुके। हम अभी यूसुफ और इस्लाम को मिटा सकते हैं। उसके कुछ दीवाने अब भी उसके साथ हैं, हम खतरे में पड़ सकते हैं, उन्हें बुलंदी पर होने का फायदा है। मोहम्मद सुन लो, दिन के बदले दिन, यौम ओद इंतकाम है, इंतकाम बद्र। तुम्हारे मुर्दे हमारे मुर्दों का जवाब है। हमारे शहीद जन्नत में हैं, तुम्हारे मुर्दे जहन्नम की आग में। हमजा, हमजा,
सुन रहे हो हमजा? देख रहे हो, ये मैं हूं, मैं हिंद। कुछ याद आया हमजा? कैसे कत्ल किया था मेरे भाव और मेरे भाई को? तुम भी कत्ल हुए। दिल में ठंडक पड़ गई। सुना तुमने हमजा? ठंडक। मौत को मेरे इंतकाम मत समझो। कुछ भी नहीं है मौत। वाशी, चाक कर दे इसे, काट दे। ये जंग हारे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने कामों में और ज्यादा मसरूफ हो गए, पागल हैं। ठीक कहते हो, ये हैं ही बेतुके। ये तो हार के भी बहुत खुश हैं। कहते हैं ये शिकस्त खुदा की तरफ से इनके ईमान का इम्तिहान था। ओ हाँ, ये जन्नत के लिए लड़ रहे हैं, यकीनन पा ही लेंगे। जन्नत नहीं, मक्का। जागते में ख्वाब देख रहे हैं। इनका गलत अंदाजा मत लगाओ, मैंने बहुत मुश्किल से इनको समझा है। मेरे दोस्त, मक्का इनके लिए घर से बढ़कर है। वहां खुदा इंसान से हम कलाम हुआ। मक्का के लिए इनकी रूहें तड़पती हैं। इस बरस इन्होंने हज की ठानी है। क्या? निहत्ते निहत्ते। अबू सुफियान तो उन्हें जबा कर देगा सहरा में। अगर तुम भी इनकी तरह एक खुदा पर ईमान रखो तो इस तरह सहरा में जिबा होने से बच जाओगे। लेकिन ये हो भी सकता है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। भड़कना मत, खुद को काबू में रखो, वो तो यही चाहते हैं। जमे रहो।
तुम पर सलामती हो। रसूल अल्लाह का फरमान है, वो जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है तजदीद अहद करें दरख्त के नीचे। उन्होंने किसी और को भेज दिया। सुहेल है, इसका मतलब है मुआयदा हो जाएगा। मोहम्मद, सुलहनामे की शरायत तो तुम्हें पहुंच गई है। अगर तुम आना चाहते हो मक्का तो फिर इतना तरद्दुद कैसा? ये क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान। मोहम्मद खुदा का रसूल, अगर मैं तुम्हें एक रसूल मानता तो तुमसे लड़ता ही क्यों? इसे लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुत्तफिक है सोहेल बिन उमर से। मैं तो यही जानता हूं और सच भी यही है। खूब, ये बेहतर है। तो ये तय हुआ कि इस साल तुम हज नहीं करोगे, यहीं से पलट जाओगे अपने अपने घर। घर तो मक्का है। बहरहाल तुम अगले साल हज के लिए आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन, सिर्फ। आओ और जाओ। हमें कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इस दौरान तुम किसी कबीले पर हमला नहीं करोगे और ना ही लूटोगे कोई कारवान, और उससे भी जो कोई हमारा दोस्त हो। हम भी यही करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी को जरब लगाई तो मुआहदा खत्म, हम भी पाबंद रहेंगे। समझ में आ गया?
10 साल, अमन के 10 बरस, इतना वक्त दरकार है बराए इस्तेहकाम इस्लाम। ये खतूत रसूल अल्लाह की तरफ से दुनिया के हुक्मरानों के नाम इस्लाम का पैगाम शहंशाह बाज़ंतीन किसरा शहंशाह फारस मकूकस वाली सिकंदरिया अल्लाह हाफिज नासिर। नस्ली असबियत को खत्म करता है इस्लाम। अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, ना ही एक गोरे को काले पर। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद नहीं करते जो अपने लिए, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। अगर कोई पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो नहीं है मुस्लिम। आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। एक खानदा शख्स अल्लाह को बहुत प्यारा है, तो पढ़ना सीखिए और जब सीख जाइए तो औरों को पढ़ाइए। यहूदी उनकी तौरात, ईसाई उनकी इंजील, इनका एहतराम भी तुम पर वाजिब है, क्योंकि ये किताबें भी अल्लाह ही की हैं। मोहम्मद तुम सब में अफजल हैं, मगर इंसान हैं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे, मैं बोला लाइए मैं चुन दूं। फरमाया तुम क्यों? मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, ये काम आपके करने के नहीं या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने मुझे देखा, धीरे से कहा अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। मैं आराम से बैठा उन्हें देखता रहा, अचानक वो रुके और खड़े हो गए और मेरी तरफ आए। फरमाया हां मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी। अम्र कहीं फिर ले जाने तो नहीं आए? नहीं, इस बार अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपके खिलाफ लड़ने पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इस्लाम साबिका गलतियां मिटा देता है। मोहम्मद
माफ कीजिए, इन समेत चला आया। ये मेरे जवाहरात हैं, जो भी कीमत हो इनकी गरीबों के लिए हाजिर हैं। और ये मैं आपके कदमों रुको, तुम तो खुद इस्लाम के खिलाफ जहर में भरी तलवार थे। मगर अब इंशाल्लाह मैं अल्लाह की लपकती तलवार हूं। अल्लाह के लिए सब आसान है, जैसे वो जिंदगी और मौत पर कादिर है उसी तरह फतह और शिकस्त पर भी। दो बरस पहले जब सुलह का मुआहदा करना पड़ा तो लगता था जैसे शिकस्त हो गई, मगर देखो हुआ क्या, हम लोगों के दिलों को फतह पर फतह करते चले जा रहे हैं। ये क्या था? देखो देखो, अबू सुफियान, अबू सुफियान आया है। मेरे साथ ऐसा सलूक? मैं हूं अबू सुफियान, कुछ तो लिहाज करो। हम में लड़ाई नहीं सुलह है। मैं मोहम्मद से बात करने आया हूं। कहां है वो? वो मस्जिद में है। मोहम्मद, मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा। मैं यकीन दिलाने आया हूं कि मुआहिदा नहीं टूटा। मक्का यही चाहता है। मोहम्मद मेरी बात तो सुनो, रुको तो। मोहम्मद सुनो तो, लुटेरों ने मुआहिदा तोड़ा है, हमने नहीं। रात तारीख थी, मैं गवाही देता हूं कि रात तारीख थी। बर्रा, बर्रा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हुज़ैफ़ा, तुम तो मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो, इनसे कहो मेरी बात तो सुने। मैं हूं मक्का, मैं हूं सरदारे मक्का। मेरी हदक इस तरह क्यों की जा रही है? तुम वादे का पास करते हो ना मौईदे का एहतराम। मैं वो सुन रहा हूं जो सोच भी नहीं सकता था। अबू सुफियान रहम की भीख मांग रहा है। गुफ्तार से, तलवार से, किरदार से गडरिये ने हमें बिछाड़ दिया। तुमने देखा, उस गडरिये का दीन एक कंकर से चट्टान बन गया। वही कंकर तो मेरी आंख में था, मैं कुछ न देख सका। कह दो मक्का से खुदा मर चुके, अब अल्लाह का इनकार बेकार है। अब तेजी से निकल जा, तू यहां के हर आदमी को अपने पीछे पाएगा, क्योंकि तू मायदा तोड़ चुका है।
ढलने से पहले हम 10,000 होंगे, हर कबीला शामिल होगा। दिफा कर सकते हैं, तुम हो ना। हम रास्ते बंद कर देंगे और शहर का दिफा अंदर से करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो हजारों में हैं, हर लम्हा उनकी तादाद बढ़ रही है। बुज़दिल, हिंद घर जाओ। इतना बुज़दिल है सरदारे मक्का, क्या ये तुम हो? तुम कुछ भी नहीं, वो तुम्हें चबा के थूक चुके हैं। क्या मेरे बाप और भाई ने इसलिए कुर्बानी दी कि मेरा शौहर भाग जाए? तुम घर जाओ, तुम बेकार है। मक्का छिन गया है। नहीं, आज रात यहां पड़ाव करना है। उन पहाड़ियों के बावजूद दिखाई दे रहा है मुझे मक्का। इतने सारे अलाव तुम गिन नहीं सकती। कितना हसीन मंजर है। जब हमने उन्हें निकाला था, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग मक्का अपने साथ ले गए। हवा में ताजा पकती रोटियों की महक है। हाँ, इसका मतलब है वो लूट मार नहीं करेंगे। कम से कम मेरा उनके बारे में यही ख्याल है। वो अपने घरों की दरो दीवार पर अपनों का खून बहाना पसंद नहीं करेंगे, इस पर मैं शर्त लगा सकता हूं। मुझे उसके पास ले चलो। तो मक्का हवाले करने आए हो? मुझे रोटी में शरीक नहीं किया? मुझे अंदाजा है शायद तुम मुझे कत्ल कर दो। कहो क्या कहने आए हो? मैंने तुम्हारे अलाव देखे, उनके गिर्द आदमी। मैं जानता हूं तुमने अपने आदमियों में कैसी आग जगा दी। तुम जीत गए मोहम्मद, अब अगर तुम ये मान लो। अब भी इतनी जुर्रत की शरायत पेश करो? क्या तुम अब भी नहीं पहचाने मोहम्मद कौन है? मोहम्मद, मेरे दिल में अब भी शक है। अगर तुम्हारा सर काट दिया जाए तो शक दूर हो जाएगा। खालिद, दीन में किसी तरह का जबर नहीं। हिदायत पाने में किसी को बरसों लगते हैं, किसी को एक पल। वक्त का तयुन सिर्फ अल्लाह करता है। उनके शक का एहतराम करो। तुम हबशी गुलाम, तुम बेहतरीन मुअल्लिम हो। मैं तो कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की अता है। जिन खुदाओं की मैं परस्तिश करता रहा, किसी काम के होते
तो जरूर मेरी मदद करते। तो मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह एक है और तुम अल्लाह के रसूल हो। अब मुझे इजाजत हो। वो तीन अतराज से आ रहे हैं, वो तीन अतराज से आ रहे हैं। भागो भागो यहां से, निकल जाओ। वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया है, निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ। जाओ जाओ अंदर चले जाओ, छुप जाओ छुप जाओ, अंदर जाओ, भागो। At least he kept his word. I haven't forced the door. He storms hearts, not walls.
It's a permanent victory. I dread going out. We must. We must appear and... Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ. باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہی تھا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا.
उन्होंने मक्का की हुर्मत कायम की। मक्का में किसी जानदार की जान नहीं ली जाएगी, ना किसी का सर काटा जाएगा, ना कोई दरख्त। जल्द ही सारे अरब ने इस्लाम कबूल कर लिया और पूरे के पूरे इस्लाम के रंग में रंगे गए। यह सब कुछ आ हजरत ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वक्त नजदीक है। आपकी नबूवत का एक अजीम पहलू आपकी खत्म नबूवत है। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, शायद आइंदा साल और इसके बाद फिर कभी तुमसे यहां मुलाकात ना हो सके। जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है उन्हें बता दें जो मौजूद नहीं, तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। मैं जो कुछ कहूं उसे गौर से सुनो। अय्याम जाहिलियत के मक्तूलीन का कसास और दियत दोनों खत्म की जाती हैं। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं। कोई मुसलमान किसी दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ नहीं करेगा, वरना यह एक दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। लोगों, गौर से सुनो, जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़े और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमीले दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। 8 जून सन 632 में 63 बरस की उम्र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। बहुत से उशाकान रसूल यकीन ही ना करते थे कि आप फौत भी हो सकते हैं, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया तो सहाबा शिद्दत गम से गश खाकर गिर गए। आपने फरमाया, अगर कोई मोहम्मद की परस्तिश करता था तो जान ले कि वो हम में नहीं रहे, और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह बेशक जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। आपका लाया हुआ दीन इंसानों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया और फैलता चला गया। आज भी सारी दुनिया से मुसलमान मक्का आते हैं हज के एक ही जैसे सफेद लिबास में, खुदा की नजर में एक से एक उम्मत बनकर, और सब मिलकर एक ही खुदा की इबादत करते हैं। أشهد أن محمد رسول الله
على الصلاة على الفلاح